नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि जियो लेयर्स में हम लोग किस तरह से अर्थक्वेक वगैरह जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो किस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर किसी हॉट स्पॉट्स को किस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर कहीं पे लाइक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए हैं या फिर कुछ इस तरह से जहाँ पे थोड़े से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं किसी अर्थ के किसी क्रिएटर के वजह से या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि अर्थक्वेक वाली जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम लोग जियो लेयर्स 3 में किस तरह से बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं कि अर्थक्वेक इफेक्ट किस तरह से बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट के जियो लेयर 3 में। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, तो न्यू कंपोजिशन में चले जाओ एंड देन आपको यहाँ पे जो भी आपको साइज़ चाहिए आप अपने हिसाब से ले लेना। लाइक 1920x1080p 60fps में प्रेफर करता हूँ एंड देन 10 सेकेंड्स का आपको ड्यूरेशन चाहिए होगा। तो यहाँ से आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट साइज़ या फ्रेम साइज़ आप चूज़ कर सकते हो अपने के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग। एंड देन यहाँ पे मैं क्लासिक 3D चूज़ करता हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट्स को इम्पोर्ट नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए मैं क्लासिक 3D में ही रखता हूँ। ओके, एंड देन सिंपल जब सारा काम हो जाए यहाँ पे तो ओके को क्लिक कर देना। फाइन, एंड देन यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपको चले जाना है विंडो में, यहाँ पे जाके एक्सटेंशन में आपको ले लेना है जियो लेयर्स 3। राइट, तो यहाँ पे आपको जियो लेयर्स 3 आपको ले लेने हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले लेने हैं। तो मैंने अपने वर्क को सेव कर रखा है एंड देन यहाँ पे आपको और भी काम करने हैं। आप यहाँ पे लिख दो अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ कि मैं अर्थक्वेक के बारे में बना रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे आप रीनेम कर लो। तो मैंने यहाँ पे अर्थक्वेक ले रखा है, 1920x1080p रखा है, 60fps मेरा एनिमेशन होने वाला है मोशन, एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 सेकेंड्स का, बस दैट्स इट। न्यू को क्लिक करो एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ना एक मैप ले लेना है जिसपे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आप यहाँ पे अपने अर्थक्वेक वाले जो एनिमेशन है या मोशन ग्राफिक आप बनाने वाले हों उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये वाले ज़्यादा बेटर मुझे मैप ठीक रहे हैं। जनरली हमारा जो अर्थक्वेक होता है वो जापान वगैरह के आसपास ही होता है यहाँ पे। ओके, जापान इंडोनेशिया वगैरह में, बट मैं उस तरफ नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने कॉन्टिनेंट्स के पास ही कुछ बना के मैं दिखाऊँ। राइट, तो मैं चला आता हूँ सीधा इंडिया की तरफ। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ कि कौन से प्लेस को आपको बनाने हैं जहाँ पे आपको अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स दिखाने हैं। ओके, तो यहाँ पे गॉट इट कर देना नेक्स्ट करने के बाद। एंड देन मैं जूम करता हूँ, लाइक मैं जूम करके मैं चला जाता हूँ कि यहाँ पे मैं, तो मैं यहाँ विशाखापट्टनम वगैरह वाला प्लेस ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे दिखाने हैं अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे आप एक बार देख लो कि आपको कहाँ पे बनाने हैं एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है टिंट। तो मैं पहले क्या करता हूँ, अपने जो मैप है ना उसको मैं ब्लैक एंड वाइट में रखता हूँ, आई मीन ग्रे स्केल में रखता हूँ, कलरफुल मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने टिंट इफेक्ट को सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना, कोई भी कलर आपको ऐड नहीं करने हैं, एज इट इज़ आपको छोड़ देने हैं। राइट, एंड देन आपको क्या करना है, इसके बाद जब आपका मैप यहाँ पे ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाए तो आप अपने जूम कर लो, जैसे मुझे यहाँ पे करना था कि मुझे विशाखापट्टनम या वाइजैक के ऊपर मुझे वर्क करने हैं थोड़ा सा। तो मेरा यहाँ पे मैप तो आ चुका है, लेकिन मैं जो एनिमेशन बनाऊंगा उसके लिए मुझे न्यू कॉम्प बनाने पड़ेंगे। तो आप राइट क्लिक करो एंड देन न्यू कॉम्पोजिशन में चले जाओ एंड देन एक न्यू कॉम्पोजिशन बना लो एनिमेशन के लिए, जस्ट लाइक अ रेडियो वेव काइंड ऑफ या फिर वेव के लिए। एंड देन यहाँ पे मैं जाकर ना एक न्यू सॉलिड कलर, आई मीन लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। ये कोई भी आप लेयर ले सकते हो, कलर कोई भी हो सकता है, जब आप इस पर इफेक्ट डालोगे तो वो ऐसे भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे ले रखा है कुछ ऐसा जो वेव हमें बनाने हैं एंड देन इसको साइड कर दो थोड़े से एंड देन यहाँ पे मैं जाके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाके मैं रेडियो वेव ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडियो वेव को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप। तो यहाँ पे रेडियो वेव को आपको क्या करना है, इसको नीचे कर दो एंड देन रेडियो वेव को मैं क्या करता हूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने सॉलिड लेयर पे। राइट, एंड देन आप देख सकते हो कि ये ट्रांसपेरेंट एक्चुअली होते हैं, जब आप प्ले करके देखोगे तो आपको यहाँ पे रेडियो वेव्स आपको दिख रहे होंगे, सी कुछ ऐसे। फाइन, बट मुझे रेडियो वेव में थोड़े से वर्क करने हैं, थोड़े से उसको इंक्रीज़ करना है थोड़ा वेव लेंथ को एंड देन उसमें जो सर्कल्स हैं उसे भी। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा चला जाता हूँ यहाँ पे, पोथ ले लो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ, मीन्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया मैंने फ्रीक्वेंसी को, फिर एक्सपेंशन को थोड़ा सा ले लिया जैसा मुझे चाहिए था। एंड देन यहाँ पे आपको ना ट्रायंगल, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह बहुत सारे आपको चीज़ मिलेंगे, ट्रायंगल मिलेंगे, उसके बाद आपको सॉ टूथ मिलते हैं, ओके, इन एंड आउट मिलता है, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो यहाँ पे। तो कुछ सेटिंग्स आपको कुछ इस तरह से ले लेने हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एंड देन थोड़ा सा मैं ना स्टार्ट विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि आप देख सकते हो थोड़ा सा जो हमारा सॉ टूथ है वो हमारा आउटसाइड है, आप चाहो तो इन भी कर सकते हो, जैसा भी आपको इफेक्ट चाहिए वैसा आप ले लेना है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद आप थोड़ा सा इसको क्या करो ना, फेड इन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो थोड़े बहुत। एंड देन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक लाइफ स्पेन, सही। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जो लाइफ स्पैन है ना उसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। आप देख सकते हो जो सेटिंग्स है, आपको ऐसे ही सेटिंग्स रखने हैं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो, एंड देन इसी सेटिंग्स के ऊपर आप वर्क कर लेना। अगर आपको थोड़े बहुत और एडजस्ट करने हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हो, सी नाउ इट्स लुक बेटर, ओके। तो ये मेरा बन चुका है यहाँ पे वेब। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, जो वेब मेरा बन चुका है उसको राइट क्लिक करना है, एंड देन प्री कम्पोज बना लो, एंड देन इसका नाम कुछ भी रख दो, रेडियो वेव या अर्थक्वेक, जो भी आपको रखना है आप वो नाम यहाँ पे लेकर ओके कर दो, फाइन, ओके। तो ये मेरा बनकर आ चुका है यहाँ पे। एंड देन फिर हम लोग आ जाते हैं अपने कॉम्प पे, जो फर्स्ट वाला मैंने लिया हुआ था उस पर आप आ जाओ जिसमें मैप है, राइट। एंड देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, जो मैंने वहाँ पे वेब बनाए थे उसको मैं लेके आ गया, रेडियो वेब, सी। एंड देन आपको इसको एडजस्ट करना है कि कहाँ पे आप इसको ऐड करना चाहते हो, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ बिकॉज ऑफ कि मुझे विशाखापट्टनम के पास मुझे चाहिए, तो मैं कुछ ऐसे एडजस्ट कर दिया वहाँ पे कि मुझे इसी जगह में चाहिए, वाइजैक के पास ही चाहिए, राइट। तो मैंने एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरह से वाइजैक के पास। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इसको पेरेंट एंड चाइल्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो जब भी जूम करोगे, जूम आउट करोगे, तो वो बड़े छोटे हो जाएंगे, एंड देन वो काम नहीं करेगा, राइट। सी देखो कुछ ऐसा, राइट, जैसे भी मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो लॉक नहीं हो रहा है, एंड देन वो एज इट इज़ ही जो साइज़ है वही है। तो आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट आप वेब फॉर्म को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, एंड देन इसके जो पेरेंट एंड चाइल्ड वाले जो है ना, पहले थोड़ा छोटा करता हूँ साइज़, आई थिंक बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी साइज़ काफ़ी है। एंड देन आपको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है थोड़ा कर दो, राइट, आपको जो रेडियो वेब है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब ये वेब हो जाए तो आप इसको पेरेंट वाले लिंक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपने मैप पे, राइट। सी अब जैसे भी आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आपको दिखाई देंगे वहाँ पे, राइट, कुछ ऐसे। तो मैंने एक कॉपी बना लिया था कंट्रोल डी करके, उसी को मैं क्या करूँगा, अगेन दूसरे दूसरे जगह पे मैं उसको एडजस्ट कर दूँगा। तो मैंने जो कंट्रोल डी करके जो मैंने एक और कॉपी बनाए थे उसको मैं लगा देता हूँ, लाइक चेन्नई के पास एक ले लिया मैंने कुछ ऐसे। एंड देन अगेन से मैं क्या करूँगा, जो मेरा पेरेंट एंड चाइल्ड लिंक है वो मैं एडजस्ट कर लूँगा, एक और मुंबई के पास लगा देता हूँ, एंड देन एक गुजरात के आसपास एक और मैं क्रिएट कर लूँगा, मीन्स 3-4 ऐसे बना लो, मीन्स जो हमारा जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बनाने हैं, तो मैंने ऐसे कुछ बना रखे हैं। एंड देन पेरेंट एंड चाइल्ड कर देता हूँ, राइट। तो फिर से मैं वेब को सिलेक्ट करूँगा, एंड देन सबको अर्थ क्वेक वाले जो मेरे मैप है उसके साथ मैंने बना दिए हैं, सी कुछ ऐसे, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो वेब है, जो रेडियो वेब क्रिएट हो रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, राइट, कुछ इस तरह से। अब आपको करना क्या है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट क्लिक, एंड देन यहाँ पे डार्कन ले लेना। तो डार्कन में क्या होएगा, जहाँ पे भी ब्लैक कलर होंगे वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, लेकिन जहाँ वाइट है वहाँ पे आपको दिखेगा वेब, सी। तो सबको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर मैं डार्कन ले लेता हूँ, राइट, क्लिक करो, एंड देन डार्कन, देखो आपको वहाँ पे भी चले गया। फिर से मैं एक और मेरा जो यहाँ पे चेन्नई वाला जो वेब है उसके ऊपर क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, डार्कन कलर ले लेता हूँ, राइट, सी। तो अभी जो वेब फॉर्म है ना वो सिर्फ इंडिया के अंदर में ही दिखेगा, वाटर पे नहीं दिखेगा, ओशन पे नहीं दिखने वाले हैं, कुछ ऐसे। तो इस तरह से आपको बना लेने हैं, जितने भी आपको चाहिए होंगे कुछ ऐसे बना लो। अगर एक और कॉपी आपको चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल किसी और जगह पे ऐड करना है, तो भी आप कॉपी करके ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन फिर से कंट्रोल डी करके एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी, फाइन। तो देखो आप यहाँ पे दो दो बन गए हैं। एंड देन मैं इसे भी लेके चला जाता हूँ, लाइक गुजरात के आसपास का मैं एक कोई मैप के ऊपर मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा। एंड देन ऑलरेडी ये हमारा पेरेंट है, तो आपको ज़रूरत नहीं है पेरेंट करने की, सी। एंड देन आप देख सकते हो कि फर्स्ट मैंने इसको एडजस्ट कर दिया लेयर को, फिर थोड़ी देर के बाद फिर चेन्नई वाले को, फिर उसके बाद हम लोगों का मुंबई का, एंड देन लास्ट हमारा आएगा
अहमदाबाद, आई मीन नॉट अहमदाबाद, गुजरात, तो लास्ट हमारा गुजरात के पास आएगा सी। तो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं या आप बना सकते हो कुछ ऐसे जिससे आप वेव फॉर्म दिखा सकते हो या अर्थक्वेक वाले कुछ इफेक्ट्स को दिखा सकते हो, राइट। अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे थोड़ा जूम इन जूम आउट काइंड ऑफ मुझे एनिमेट भी करने हैं, राइट, क्योंकि ये अच्छा दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट एडजस्ट कर लेता हूँ अपने मैप को, एंड देन क्लिक कर दो आप कीज़ के ऊपर में, राइट। मीन्स फर्स्ट आप थोड़ा सा जूम आउट ही रखो कि आपको एनिमेशन करने में बेटर हो, एंड देन दो सेकंड के बाद आप क्या करो ना, टू सेकंड्स के बाद थोड़ा सा जूम इन कर लो, राइट, कुछ ऐसे जैसे मुझे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैंने जूम इन कर रखे हैं, सी कुछ ऐसा, राइट। तो आप देख सकते हो कि हमारा मैप जो है वो थोड़ा सा जूम इन हो रहा है कुछ ऐसे, फाइन। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा टिल्ट कर दूंगा, मीन्स थोड़ा सा जो टॉप व्यू से मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू में लेकर आता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट एंड देन राइट क्लिक से मैं क्या करूँगा, अपने मैप को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, सी कुछ ऐसे। तो फर्स्ट जूम इन हो गया लाइक ऐसा, एंड देन टू सेकेंड्स के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे, सी ऐसा, राइट। थोड़ा सा मैं इसकी क्वालिटी को कम कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ काम करने के टाइम में हमेशा आप क्वालिटी थोड़ा सा कम ही रखो कि आप इजी वे में आप वर्क कर सकते हो, सी। तो अभी हमारा कुछ इस तरह से मैप टिल्ट हो गया, राइट। एंड देन लास्ट फ्रेम में जाके मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रोटेट हो जाए हमारे जो मैप है ना, वो थोड़ा सा मैं रोटेट करना चाहता हूँ। एंड देन इवन तो आप देख सकते हो कि जो हम लोगों ने वेब बनाए थे ना, वो हमेशा वर्टिकल ही था, तो उसको आपको ठीक करने के लिए या मैप के अकॉर्डिंग आपको करने के लिए उसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लेयर को 3D में कन्वर्ट कर लो आप, एंड देन जाकर थोड़ा सा आप क्या करो, मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हल्का सा मैं क्या करता हूँ, रोटेशन ले लेता हूँ, या नाउ इट्स लुक बेटर, सी। तो फर्स्ट जूम इन हो गया, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ये टिल्ट होता है कैमरा, एंड देन उसके बाद थोड़े से रोटेट हो जाएंगे, राइट, टूवर्ड्स हमारा वेस्ट बंगाल की तरफ या इंडियन ओशियन की तरफ, थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया, आई मीन थोड़ा सा रोटेशन हो गया, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से है जैसे अर्थक्वेक का मुझे दिखाना है। मैं बहुत इजी तरीके से, जैसे भूकंप भूकंप होते हैं या फिर कुछ हॉट स्पॉट्स दिखाने होते हैं, तो आप बहुत इजी वे में इस चीज़ को बना सकते हो, सी कुछ ऐसा। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप आफ्टर इफेक्ट्स एंड जियो लेयर 3 को मिलाकर आप अर्थक्वेक जैसे जो इफेक्ट्स होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो, एंड देन इस तरह से बहुत सारे आप इंटरैक्टिव एंड देन इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो जियो लेयर 3 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Take care.